अब वक्त हो चला है अपने खास विषय पर चर्चा करने का और आज दर्शकों बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। शशि जी से हम जानेंगे कि हमें गुस्सा क्यों आता है, क्या होती है इसके पीछे की वजह और कैसे हम इसे कर सकते हैं कंट्रोल। दर्शकों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोध की। कई लोगों को बहुत अधिक क्रोध आता है तो कई लोग छोटी छोटी बात पर उखड़ जाते हैं और कुछ लोग तो इतना भयंकर क्रोधित हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्रोध में किया क्या, कितना नकारात्मक कर जाते हैं। क्रोध आते ही सोचने समझने की शक्ति भस्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसके व्यक्तित्व निर्धारण की सबसे पहली और सबसे प्रभावपूर्ण कड़ी होती है उनकी वाणी। स्वभाव किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से क्रोध और क्रोधी स्वभाव के विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ग्रहों की स्थिति कैसी हो जाती है कि व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है, आखिर इस क्रोध का ज्योतिषीय कारण क्या है और किस तरीके से क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध को आने के लिए ज्योतिष में जिन घरों का एक्टिवेशन चाहिए यानी जो घर एक्टिव होने चाहिए वो घर हैं, एक तो स्वयं जिस व्यक्ति को क्रोध आना है यानी मेन हाउस प्रथम भाव लग्न जिसको कहते हैं, इसके अलावा जो ज्योतिष में दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाव होगा वो होगा वाणी, क्योंकि क्रोध प्रकट वाणी से अधिकतर होती है। तीसरा है मस्तिष्क यानी पंचम भाव जिसको कहते हैं, जिसमें सभी चीज़ें नियंत्रित होती हैं और क्रोध आने पर मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और अक्सर कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति का दिमाग बहुत गर्म है। क्रोध ऊर्जा और अग्नि का यही एक रूप है। जब फायरी प्लैनेट व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बढ़ाते हैं यानी अग्नि तत्व बढ़ता है तो इसी का साइड इफेक्ट होता है क्रोध। दर्शकों उदाहरण लेते हैं कि अगर गैस जलानी है तो अग्नि तत्व यानी लाइटर या माचिस के द्वारा ही हम जला सकते हैं। इसी प्रकार क्रोध दिलाने के लिए भी अग्नि तत्व प्रधान जो ग्रह होते हैं यानी जो फायरी प्लैनेट होते हैं वो जला सकते हैं, यानी वही आपका क्रोध बढ़ाएंगे। अब ये जो प्लैनेट हैं इसमें जो मुख्य हैं जो मेन दो ग्रह हैं वो है मंगल और सूर्य, दोनों ही अंगार हैं, बिल्कुल अग्नि है। वहीं नैसर्गिक रूप से जो सभी के मन के कारक हैं मूड को कंट्रोल करते हैं वो है चंद्रमा। जब किसी तरीके से कुंडली में या अंतरिक्ष में मंगल या किसी अन्य अग्नि तत्व से संबंधित या सूर्य से संबंधित उनका कोई संबंध हो जाता है, उनका कोई कनेक्शन हो जाता है तो क्रोध आ जाता है, मूड गर्म हो जाता है, क्योंकि मन और मूड को कंट्रोल करता है मून। जैसे उदाहरण लेते हैं गैस जल रही है, अब अगर इसमें जल रख देंगे, जल को थोड़ी देर के लिए चंद्रमा मान लीजिए, आप जल का पात्र अगर रख देंगे तो थोड़ी देर में जल खौलने लगेगा, जल गर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब चंद्रमा कुंडली में मंगल के साथ या सूर्य के साथ कनेक्ट हो जाता है या साथ आ जाता है तो समझ लीजिए क्रोध बढ़ जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो वो लोग जल्दी क्रोधित हो सकते हैं। दर्शकों यहाँ एक बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है कि चंद्रमा जो है वो नेचुरल रूप से मन का कारक है। ये तो एक सार्वभौमिक स्थिति है कि चंद्रमा सभी के मन को कंट्रोल करता है, कुंडली में कौन सी राशि है कुछ भी हो इससे लेना देना नहीं। लेकिन अगर व्यक्तिगत कुंडली में चंद्रमा का संबंध या चंद्रमा का लॉर्डशिप या चंद्रमा अगर दिमाग का स्वामी हो जाए तो बहुत तेजी से ये इफेक्ट करता है। यानी एक तो चंद्रमा मन का कारक है, दूसरा हमारे दिमाग का लॉर्ड हो गया, तो ऐसी स्थिति मीन राशि या मीन लग्न वालों के बन सकती है। तो जब भी मंगल इस चंद्रमा के साथ आएगा तो ये लोग बहुत तेजी से क्रोधित हो जाएंगे, छोटी छोटी बात में इरिटेट होने लगेंगे। वहीं अगर चंद्रमा का संबंध वाणी के घर से हो जाए और मंगल उससे कनेक्ट हो जाए तो जो वाणी की जो शीतलता है ये सब खत्म हो जाएगी, आग बबूला होता रहेगा तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आने लगेगा। यह स्थिति
मिथुन वालों में बन सकती है। वहीं दर्शकों, अगर चंद्रमा स्वयं हो जाए, प्रथम भाव से लग्न लग्नेश हो जाए, तो यानी शरीर पूरी पर्सनालिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा, और फिर कहीं अग्नि तत्व से कनेक्ट हो गया चंद्रमा तो पर्सनालिटी में बहुत गर्मी आ जाएगी, बहुत क्रोधित हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में हाथ छोड़ देते हैं, मार देते हैं। तो ये स्थिति बन सकती है कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा इनका स्वामी भी होता है। वहीं दर्शकों, चंद्रमा का कनेक्शन मंगल के साथ या सूर्य के साथ तो फायरी बना रहा है, लेकिन अगर कहीं राहु भी इन्वॉल्व हो गया तो समझ लीजिए क्रोध तो बिल्कुल फट पड़ेगा, बम ऐसा फटता है, क्योंकि राहु जो है वो एक्सपोजर कराता है, किसी भी चीज़ में धमाका कराता है। तो अब अग्नि जो है, अग्नि के साथ जब वो आ जाएगा तो विध्वंसक हो जाता है, तो वो प्रोवोक कराता है। राहु का काम है भड़काना, तो अचानक राहु किसी बात को लेके आपको भड़का दे, आग बबूला हो जाए, तो ये स्थिति करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्या करना चाहिए कि क्रोध ना आए। दर्शकों, क्रोध के कई रूप हैं, कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे कुछ परिस्थितियों में किसी गलत बात का विरोध करना, किसी व्यक्ति की गलती को समझाना, तो कई बार थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। तो क्रोध ऊर्जा है, अगर इसको संतुलित मात्रा में करेंगे तो ये सकारात्मक क्रोध हो जाएगा। कुंडली में जब मंगल और चंद्रमा तो साथ हैं तो यहाँ तो फायरी है, लेकिन किसी तरीके से राहु के बजाय अगर गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, देव गुरु बृहस्पति साथ में आ जाए, या कहीं से दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत संतुलित मात्रा में औषधि की तरह क्रोध करता है। यानी क्रोध और साहस, यहाँ थोड़ा सा साहसी हो जाता है, उसका क्रोध अहम से भरा नहीं होता है। वहीं जो लोग अहम से भरे हुए क्रोध की बात करते हैं या क्रोध आता है उनको, उनमें सूर्य और मंगल, सूर्य राजसी तत्व है, सूर्य को इस बात का ये रहता है कि आप नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ, तो ये जो अहम की बात है ये सूर्य और मंगल के साथ इस तरीके की स्थिति बन जाती है। वहीं गुप्त क्रोध, अगर चंद्रमा के साथ किसी तरीके से केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, केतु इंट्रोवर्ड होता है, वो जो इंट्रोवर्ड है इसके साथ ही अगर क्रोध दिलाने वाला प्लैनेट भी इन्वॉल्व है, मंगल है, सूर्य है, तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति हो जाती है कि क्रोध आ भी रहा है लेकिन अंतर्मुखी है, तो वो दबता रहता है। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति में क्रोध बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन जब भी निकलता है तो फिर बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर क्रोध आ रहा है, कुंडली में स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, तो उसका उपाय क्या है? उसका सबसे पहला उपाय तो मानसिक रूप से इस बात को आप मान लीजिए कि मुझे क्रोध ज़्यादा आता है, मंगल और चंद्रमा और राहु माने किसी कुंडली में साथ में, उस व्यक्ति को हमेशा समझना चाहिए कि कोई बात अगर ऐसी हुई है और क्रोध आ रहा है तो अंदर एक अलार्म बजे कि ये इक्वेशन ऐसी इस वजह से आ रहा है, थोड़ा कूल रहना है। तो एक तो मानसिक एक्सरसाइज है। दूसरी चीज़, गणपति उपासना, गणेश जी का नाम जाप, कोई पाठ, कोई स्त्रोत, क्योंकि वो विवेक के देवता है, यानी आपका विवेक बना रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही जो प्लैनेट मंगल आपको फायरी दे रहा है, जो अग्नि दे रहा है, उसको शांत करने के लिए हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी को लाल रंग का फल का भोग लगाना चाहिए, अनार लगा सकते हैं, सेब लगा सकते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन आप फल चढ़ाइए, नहीं तो गुड़ चढ़ाइए। हनुमान जी को शांत करना है, उनकी पोटेंसी नहीं बढ़ानी है, तो इसमें कोई मूंगा रत्न आपको नहीं पहनना है, क्योंकि रत्न पहनने से चीज़ें प्रमोट हो जाती हैं, तो आपको दान करना है। इसके अलावा मस्तक पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, तिलक लगाने से विवेक आता है, मन शांत रहता है और क्रोध कंट्रोल में रहता है।